तो पहले ये लिख दिया है मैंने कि मैंने यहाँ लॉरा सेरेटा कवर नहीं की है क्योंकि मैं net, ये मैं कवर नहीं करूँगी फॉर नेट ये इम्पोर्टेंट नहीं है ना तो मैंने क्वेश्चन नेट में देखा है ना मैंने सेट में देखा है जितने भी मैंने देखे हैं तो शी इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट राइटर फ्रॉम नेट परस्पेक्टिव सो आई विल नॉट कवर हर बट आई वुड स्टिल वॉन्ट यू टू नो कि लॉरा सेरेटा एक वुमन राइटर थी जो कि द एज ऑफ रिवाइवल के टाइम पर लिख रही थी ऑक्नोलॉजी में वो यहाँ फॉल करती हैं उसके बाद हम बात करेंगे गेविन डोगलिस एलेक्जेंडर बाकले दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हैं आपको सिर्फ बेसिक पता होना चाहिए कि गेविन डोगलिस कौन थे और अलेगजेंडर बाकले कौन थे और कब लिख रहे थे दो एक दो वर्क्स हैं इनके जो हम देखेंगे अभी आगे पर ये वीडियो बहुत छोटा होने वाला है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है दिस इज ऑल दैट आई डू एंड टॉक अबाउट इन दिस वीडियो अभी आप देखें गविन um, डोगलिस ये एक स्कॉटिश चौसीरियन है इसका मतलब है चौसर्स से इंस्पायर होकर लिख रहे थे ये जो वर्क है पैलेस ऑफ ऑनर ये इंस्पायर्ड है फ्रॉम चौसर्स हाउस ऑफ फेम इफ यू रिमेंबर आई टॉक्ड अबाउट इट इन माई वीडियो द हाउस ऑफ फेम जो है उनसे ये इंस्पायर्ड है पैलेस ऑफ ऑनर और इसीलिए नाउ यू नो हमारे पास एक वो भी हो गया एक एग्जाम्पल हो गया कि ये स्कॉटिश चौसेरियन कैसे हैं और इनका एक बहुत ही रिमार्केबल वर्क है एनियाडोस एनियडोस एनियाडोस क्या है डजेंट इट साउंड लाइक एनियड बायजिल राइट तो ये एक इनका इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन है वर्जिल uh, की एनियड को इन्होंने स्कॉटिश uh, में कन्वर्ट किया था सो so ये स्कॉटिश लैंग्वेज में है और क्योंकि स्कॉटिश एक एंग्लिकन लैंग्वेज है एंग्लिकन लैंग्वेज में स्कॉटिश भी आ जाती है इंग्लिश भी आ जाती है तो समटाइम्स ऐसा भी बोल देते हैं कि गर्विन डॉगलिस वॉज द फर्स्ट वन टू टू ट्रांसलेट एनियड इन टू इंग्लिश जो कि वैसे सही नहीं है बट अफकोर्स एक एंग्लिकन लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट ये की गई है पर इंग्लिश में ये ट्रांसलेट की गई है दैट वुड नॉट बी द राइट थिंग टू से बट दिस इज मैंशन एट अ फ्यू प्लेसेज सो वो आप देख लीजिएगा कि पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आएगा और वो आपने कैसे सॉल्व करना है फिर आगे आपके पास अलेक्जेंडर बागले इन्होंने लिखी थी द शिप ऑफ फूल्स ठीक है दैट्स अबाउट इट इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं जानना है और ये इंग्लिश ऑसेरियन थे बाकी वीडियो यहाँ ख़त्म हो गया है अब थोड़ा सा अगर मुझे ड्राइंग बनानी है तो मैं वो बना रही हूँ टाइम नहीं है आपके पास आप जा सकते हैं क्योंकि काम की बात मैं कर चुकी हूँ अब एक शिप बना देते हैं उन्होंने ये तो बोट हो गई पर शिप बनाना है शिप कैसे दिखता है ये शिप हो गया हमारा ठीक है और यहाँ पे हम फूल्स बना देते हैं तो फूल्स कैसे बनाएंगे कोई hmm, बात नहीं इंसान ही बना देते नॉर्मल अरे कहाँ बना रही हूँ मैं शिप के ऊपर नहीं तो शिप के नीचे हो गए शिप ऑफ फूल्स ये एक शिप है और इसके ऊपर ये फूल्स है शिप ऑफ फूल्स ये एले, एलेक्डर बागले ने लिखा था और अच्छा हाँ ये एक चीज़ मुझे और बतानी है पैलेस ऑफ ऑनर है तो ये हाउस ऑफ फेम से सिमिलर बताओ कैसे साउंड कर रहा है जब आपको फेम मिलता है तो फेम ब्रिंग्स ऑनर आपको लोग ऑनर करते हैं जब भी आप कहीं जाओगे आपको लोग जानते हैं तो आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा है ना मतलब आई थिंक सो अगर फेम अगर आप सच में एक अच्छे इंसान हो आप फेमस हो और हाउस मतलब फेम इज़ लाइक द फर्स्ट स्टेप एंड ऑनर इज़ लाइक द सेकेंड स्टेप राइट पहले फेम मिलता है फेम की वजह से ऑनर मिलता है अब हाउस इज़ लाइक अ फर्स्ट स्टेप क्योंकि हाउस तब बनाओगे जब आपके पास थोड़े कम पैसे हैं पैलेस आप तब बनाओगे जब आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो हाउस ऑफ़ फेम पहले आया था एंड पैलेस ऑफ ऑनर बाद में आया था मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला बट आई होप ये किसी तरीके से याद करने में हेल्प करे और नहीं कर रहा होगा तो प्लीज़ मुझे बता देना कमेंट्स में मैं नहीं करूँगी ऐसी बातें आई जस्ट लिमिट माई सेल्फ टू द इम्पॉर्टेंट स्टाफ एंड नॉट सच दैट्स इट अबाउट द वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ प्लीज़ डोंट लीव योर कॉमेंट्स एंड फीडबैक आई रेडी लुक फॉरवर्ड टू इट उससे मुझे भी इम्प्रूव होने में हेल्प होती है और एंड आई ऑल्सो होप कि फिर मेरी वीडियोज़ इस तरह से मैं बनाऊँ ज़्यादा लोगों को हेल्प कर पाए दैट्स अबाउट इट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय बाय